प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले आपके आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपका एंड हो गया होगा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, पूरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी, पूरी पूरी जितनी अब तक हुई है। ओके, फॉर जनरल ट्राइंगल यानी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। जिस संबंध में सारी बातें, बहुत बातें अब तक हो चुकी हैं। अब प्यारे बच्चों, इनकी साइड्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो पहली बार में ही समझ जाएं स्मॉल ए बी सी से जो साइड प्रेजेंट करेंगे कैसी होगी। ध्यान रखना, ए के सामने वाली साइड को ही स्मॉल ए कहेंगे, बी के सामने वाली को बी, और सी को ऑपोजिट सी, रिप्रेजेंट बाई स्मॉल लेटर्स फॉर साइड्स एंड कैपिटल लेटर्स फॉर एंगल्स। ओके, केवल दो चीज आपको याद रखनी है, साइन लो, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, ये तीनों रेशियो इक्वल होते हैं। जब आपने फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, उनमें से ही आप में से किसी एक बच्चे ने पूछा था, सर ये प्रूफ कर दीजिए। इसका मतलब ये फिजिक्स में ऑलरेडी प्रूफ भी हो चुका है, ठीक है। इट इज नोन एज साइन लॉ। इसका उल्टा भी हो सकता है, इक्वलिटी तो है, तो ए अपॉन साइन है इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ओके प्यारे बच्चों, कोसाइन फॉर दिस ट्रायंगल, कॉस ए इज इक्वल टू इट्स एक्सप्रेशन ओनली इन द फॉर्म ऑफ साइड्स ओनली, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, आराम से याद हो जाएगा। ए है तो वही माइनस में आएगा बस, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर माइनस इसके ऑपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ पॉजिटिव साइड प्रोडक्ट। कॉस बी तो बी माइनस आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू सी ए, एंड कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए। ये फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों याद कर लो, और ट्रिग्नोमेट्री के में पिछले सारे फॉर्मूले सी एंड डी और जो भी थे सब काम आएंगे। अब मैं सीधा ये तो क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आप इस एक्सरसाइज को धड़ल्ले से शुरू कर सकें। एक दो फॉर्मूले बीच में भी आएंगे जब उनकी जरूरत पड़ेगी। इसकी एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन, ये ट्रायंगल बना के इन दोनों भाई वो और ये तीनों फॉर्मूले, ये तो हो गए आज के नोट्स। ये नोट कर लेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे साफ साफ, एक नोट ये और एक बस फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है, ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी, ये देखा प्रूफ करना है, सी कॉस ए माइनस बी,
देखिए ए, ये जो ए को मैं ऐसे लिखते हैं, बताया ना आगे, मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंस उल्टा करके, ए अपॉन साइन है इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी, ये तो होता ही है। इस तीनों रेशियो को के मान लीजिए, ए अपॉन साइन ए की वैल्यू भी के, बी अपॉन साइन बी की भी और सी अपॉन साइन सी की भी। तो ओनली ए इक्वल टू साइन ए के साथ चला के साइन, तो ए की वैल्यू तो के साइन है, आगे है कॉस है, और बी की वैल्यू के साइन बी, और आगे है कॉस, और आगे आपने बताया जाए सिंस, मैं इस लाइन को लिखने के बाद आगे बता दूंगा। अब पूरे क्वेश्चन में ये नहीं कि अब ये यूज करोगे, इसे कब उल्टा करना पड़ता है कब सुलटा करना पड़ता है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड है, पर जब एक बार लिख दोगे पूरे क्वेश्चन वही यूज करोगे फिर। तो जब साइन ए कॉस से आता है तो याद करो टू साइन ए कॉस है बच्चों, एक बार और सारे फॉर्मूले लर्न कर लूँगा ट्रिग्नोमेट्री के, मैंने चार चार फॉर्मूले स्टेप वाइज समझाए कैसे कैसे है, सारे बच्चों बैठ के लर्न कर लो एक बार, बड़े इंपॉर्टेंट है, लेके मत बैठा करो सामने। तो के कॉम ले लो, क्या बचेगा साइन ए कॉस है, और यहां से साइन बी कॉस बी, दो से डिवाइड, दो से इंटू, तो के बाई टू, टू साइन ए कॉस है साइन टू ए प्लस साइन टू। अब साइन टू ए फॉर्म यूज हो गए, और अब साइन सी प्लस साइन डी फॉर्म यूज होने वाला, साइन सी प्लस साइन डी, लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यू, के बाई टू साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू ए प्लस टू बी बाई टू, और कॉस टू ए माइनस टू बी बाई टू, तो इस टू कैंसिल इंटू द के इंटू साइन, टू कॉमन एंड कैंसिल, ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरी एक्सरसाइज के सब शुरू में लिख दो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी 180, ओके, तो व्हाट इज ए प्लस बी ओनली 180, यानी कि पाई माइनस सी, और कॉस ए माइनस बी के साइन 180 में चेंज नहीं होता, साइन सी रहेगा, और 180 माइनस सी साइन क्वाड्रेंट, साइन प्लस ही होता है, और कॉस ए माइनस बी। और ध्यान दो जो आपने एज्यूम कर रखा है उसी से ही के साइन सी क्या हो जाएगा, कौन सी की वैल्यू के साइन सी, सी कॉस ए माइनस राइट, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, इसमें ध्यान दो पहले क्वेश्चन ने करा क्या, मैंने साइड को हटाने की प्रैक्टिस काम करा साइन साइन लॉ से, जब साइड हट जाएंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचेंगे, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री कर रखी आपने, फिर तो हो ही जाना उसको। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल एकदम, एक क्वेश्चन जी साइन लॉ बेस हो, एक कॉस्ट पर बताता हूँ, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को उड़ा दो। जैसे कि एक क्वेश्चन है थर्ड का, सेकंड पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ए अपॉन ए,
cos a upon a plus cos b upon b plus cos c upon c. प्रूफ करना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी सी. तो फटाफट देखिए जरा, खाली कॉस की वैल्यू पुट करनी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, और अपॉन पहले से ए बी. ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले लर्न हो, देख के मत लिखना. कॉस बी की सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू सी ए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए. इसके अपॉन में बी पहले से था और इसके अपॉन में सी पहले से, तो क्या गया ऐसे हम टू ए बी से आ गया दोनों. ऊपर देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी सी राइट हैंड साइड. मतलब खाली क्या करा कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू पुट करी, बस और कुछ नहीं करा. और रेस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और साइड्स भी रहेंगे, तो साइड्स को साइन लॉ से हटाने की कोशिश करो. स्मॉल ए कीजिएगा के साइन ए लिख के, फिर पूरी तरह ट्रिग्नोमेट्री बना दो पुराने वाली, फिर हो ही जाना. इस तरह से एक्सरसाइज को पूरी शक्ति के साथ शुरू कर दो.